अरे हम खुद अपनी समाधि ले लेंगे, हमारी जनता यदि कचरा में जाएगी तो मैं उसी गड्ढों में खुद समाधि ले लूंगा। अच्छा, जल समाधि नहीं, कचरा में समाधि, कीचड़ में। नरियावली से भाजपा विधायक प्रदीप लारिया ने कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। विधायक प्रदीप लारिया ने बताया कि ज्ञापन भी दिया है और चेतावनी भी दी है। टाटा कंपनी के कारण जो स्थिति हो गई है, सड़क निर्माण के कार्य में लोगों को आवागमन में समस्या आ रही है, उसका निदान तत्काल हो जाए, नहीं तो विधानसभा में भी इस मांग को उठाएंगे, आने वाले समय में उग्र आंदोलन भी करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग एक ही काम में लगे हैं, उन्हें जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के सारे नेता ट्रांसफर में मस्त हैं, अधिकारी इसलिए पस्त हैं कि वो फुटबॉल बने हुए हैं, आज यहाँ रहते हैं कल वहाँ। कुछ अधिकारी ऐसे बैठ गए हैं ऐसा लगता है कि अंग्रेजों के समय के हैं, उन्हें जनता की पीड़ा से कोई वास्ता नहीं है। वही नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता के साथ छल कपट किया है, उसके लिए आंदोलन करेंगे, खुद अपनी समाधि लेंगे। अगर हमारी जनता कचरे में जाएगी तो उन्हीं गड्ढे में खुद समाधि ले लेंगे, जल समाधि नहीं, कचरा में समाधि, कीचड़ में। अरे हम खुद अपनी समाधि ले लेंगे, हमारी जनता यदि कचरा में जाएगी तो मैं उसी गड्ढों में खुद समाधि ले लूंगा। अच्छा, जल समाधि नहीं, कचरा में समाधि, कीचड़ में। जो की पोस्ट पर अधिकारी बैठ गए हैं वो ऐसा लगता है अंग्रेजों का शासन काल हम लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर लगता है कि ऐसे ही अधिकारी उस समय अंग्रेजों के शासन काल। कामरान अनशन की बात की, कब से बैठ रहे हैं आप? ये यदि अभी विधानसभा है, हम अपने पार्टी के लोगों से चर्चा करेंगे, और जो कांग्रेस की सरकार ने जो किसानों के साथ छल किया है, वचन पत्र के माध्यम से सरकार बनाई है, और मैं समझता हूं कि जो कपट जनता के साथ किया है, इस सब विषयों को लेकर हम लोग उग्र आंदोलन